अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, हाय, दिस इज़ मोहन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट एग्जाम के बारे में। सो बेसिकली एज वी नो कि हमारी एग्जाम की बायोकेमिस्ट्री सीरीज चल रही थी, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। एंड टुडे वी हैव रीच लास्ट एग्जाम, जो कि मोस्ट प्रॉबली हमारी इस सीरीज की आखिरी वीडियो होने वाली है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कीमोट्रिप्सिन के मैकेनिज्म को डिस्कस किया था कि वो अपना फंक्शन और वो अपनी जो एक खास कैटालिसिस है वो किस तरह से परफॉर्म करता है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट एग्जाम। सो लास्ट एग्जाम बेसिकली क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? दे आर एक्चुअली एंटी बैक्टीरियल एंजाइम, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात की जाए। एंटी बैक्टीरियल एंजाइम मतलब कि इनका जो फंक्शन होता है वो बैक्टीरिया के एंटी है। अच्छा, दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन योर टीयर्स, आंसू के अंदर। एंड जो आपके पास एक वाइट होती है अंडे की सफेदी, उसके अंदर ये मोस्टली आपको मिलते हैं लाइसोजाइम। अच्छा, अगर हम लोग इस वीडियो की बात करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम लोग किस लाइसोजाइम को डिस्कस करने वाले हैं, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हेन एग वाइट, मतलब कि मुर्गी के अंडे की सफेदी के अंदर जो आपके पास लाइसोजाइम होता है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एंटी बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया के खिलाफ, मतलब कि इस एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी इट विल बी एंटी अगेंस्ट द बैक्टीरिया, गोइंग टू सी दैट। अच्छा, इसका जो आपके पास रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट इट इज़ अराउंड 14,296। इट्स अ मोनो पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग एंजाइम, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 129 अमीनो एसिड लॉन्ग है, मतलब कि इसकी जो पेप्टाइड लेंथ है 129 अमीनो एसिड लॉन्ग, जिसके अंदर आपके पास 4 डाइसल्फाइड भी हैं, मतलब कि इस पूरे सिंगल पॉलीपेप्टाइड के अंदर आपके पास 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि इस प्रोटीन को, इस एंजाइम को स्टेबलाइज करती है ताकि वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म कर सके। अगर बात करें इस एंजाइम की सब्सट्रेट की, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम, तो इसका जो सबस्ट्रेट है वो है एग्जैक्टली पेप्टाइडोग्लाइकैन। अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो जो आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकैन है इट इज अ शुगर डेरिवेटिव, ठीक है, और इसके अंदर एज यू कैन सी पेप्टाइडोग्लाइकैन, मतलब कि इसका एक पोर्शन आपके, मतलब कि ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका एक पोर्शन आपके पास प्रोटीन के ऊपर कंसिस्ट करता है। एंड ग्लाइकैन मतलब कि पॉलीमर ऑफ शुगर को आप लोग ग्लाइकैन कहते हैं। सो ये आपके पास इस किस्म का मॉलिक्यूल है। अगर सिंपली बात करें तो जो आपके पास बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकैन है ये उसका मोनोमर है, मतलब कि बहुत बहुत सारे आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकैन जैसे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और आपके पास बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाते हैं। ये जो एंजाइम है ये इस किस्म के पेप्टाइडोग्लाइकैन्स को बीच में से क्लीव आउट कर देता है, और जब पेप्टाइडोग्लाइकैन क्लीव आउट होंगे तो एग्जैक्टली बैक्टीरिया की सेल वॉल क्लीव होगी, और जब बैक्टीरिया की सेल वॉल क्लीव आउट होगी तो एज वी नो के अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल क्लीव आउट होती है सो इट विल कॉज अ डेंजर ऑफ एक्चुअली रप्चरिंग दैट देयर सेल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ हाइपर टोनिसिटी इनसाइड देयर सेल, और इनका सेल बर्स्ट करके इनकी डेथ कॉज कर देगा। अगर बात करें टिपिकली पेप्टाइडोग्लाइकैन के ऊपर, सो इट कंसिस्ट ऑन टू मॉलिक्यूल्स बेसिकली, नैग मतलब के एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन इन दैट पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट पोर्शन। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप लोग कार्बोहाइड्रेट वाली सीरीज में जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं शुगर डेरिवेटिव, उसके अंदर मैंने इन तमाम के जो आपके पास नैग है नैम उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली कौन से कार्बन क्या होता है, हर तरह की जो आपके पास कन्फर्मेशन स्टडी भी है वो भी मैंने वहाँ पर कर रखी है। सो जो आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकैन है इट कंसिस्ट ऑफ नैग, जो कि आपके पास एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है विच इज बीटा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज विद नैम, यानी कि एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जो कि भी आपके पास जो एक शुगर डेरिवेटिव है, राइट। अच्छा, सो ये जो आपके पास बैक्टीरियल एंजाइम है ये एक खास लोकेशन पर जाकर इन दोनों के दरमियान की जो, अच्छा, ये जो आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकैन है ये असल में वह नैग अटैच विद नैम और नैम अटैच विद एक्चुअली अपोलीपेप्टाइड, छोटा सा 4 अमीनो एसिड लॉन्ग, और जब ये अपोलीपेप्टाइड इससे जुड़ता है, ठीक है, तो ये जो कंप्लीट मॉलिक्यूल है इट्स द मॉलिक्यूल ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकैन। लेकिन हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पर अंडर एस्टिमेट करते हैं बिकॉज द लाइसोजाइम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज एक्चुअली गोइंग टू ब्रेक दिस बॉन्ड, तो इसको खास, मतलब कि इस पेप्टाइड को खास डिस्कस करने का फायदा नहीं है। सो आपके पास ये इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है। अगर बात करें लोकेशन के ऊपर कि किस लोकेशन के ऊपर जो है ये लाइसोजाइम आकर इस पेप्टाइड को, मतलब कि इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को, कौन सी बॉन्ड है ये, इट्स अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइको
साइटिक बॉन्ड। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता सो फिर आपको अगेन जाना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट में, यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करने वाला। अच्छा सो अगर बात करूँ इसकी पर्टिकुलरिटी सीक्वेंस, मतलब क्या सीक्वेंस वेयर दिस एंजाइम इज गोइंग टू अटैच एंड इट्स गोइंग टू क्लीव। तो असल में ये जो आपके पास लाइसोजाइम है, इट नीड्स सिक्स अल्टरनेटिंग नेग एंड नेम, जिसको आप लोग ए थ्रो एफ नाम दे सकते हैं। ए थ्रो एफ मतलब के छह अल्टरनेटिंग नेग और मतलब के नेग नेम नेग नेम नेग नेम छह ना, तो उसको मतलब कि जो पहला नेग होगा उसको आप लोग ए कहेंगे, दूसरा नेम होगा उसको आप लोग बी कहेंगे, जो तीसरा नेग होगा उसको आप लोग सी कहेंगे, जो चौथा नेम होगा उसको आप लोग डी कहेंगे, जो पांचवा इस तरह से ई एंड देन एफ। वन थ्रू एफ यू कैन नेम ऑल ऑफ देम, जिसके ऊपर मतलब कि जिसके ऊपर जाके जो ये लाइसोजाइम है ये अटैच होगा। अच्छा मोस्टली ये जो आपके पास लाइसोजाइम है ये क्लीव करता है नेम ऑन डी, व्हाट मतलब के नेम एट डी पोजिशन एंड नैग एट ई पोजिशन, मतलब के उस सीक्वेंस के अंदर ए थ्रो एफ जहां पर डी के ऊपर आपके पास नैम हो और ई के ऊपर आपके पास नैग हो, तो ये जो आपके पास लाइसोजाइम है ये उन दोनों के दरमियान की जो आपके पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगी ठीक है उसको ये क्लीव करेगा। ये इसकी स्पेसिफिसिटी है कि इट ओनली क्लीव्स इन बिटवीन डी एंड ई। डी के ऊपर आपके पास नैम होगा मतलब के एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, और ई के ऊपर आपके पास नैग होगा मतलब के एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड। जहां तक बात है इस एंजाइम के मैकेनिज्म की, सो देर आर टू अमाइनो एसिड जो कि इंपॉर्टेंट है। वन इज यूर ग्लूटामेट 35 एंड द अदर वन इज ऑल्सो अनोदर एसिडिक अमाइनो एसिड एस्पार्टेट 52। अगर आपको पता हो सो दे बोथ कंटेन एन एसिडिक अमाइन, मतलब के अ नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग अमाइनो एसिड, मतलब के इनका जो आर ग्रुप होता है इन दोनों का इट इज नेगेटिवली चार्ज। अच्छा अगर बात करें थोड़ी सी मैकेनिज्म के बारे में, सो बेसिकली इस लाइसोजाइम का जो मैकेनिज्म है इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन कोवेलेंट कैटालिसिस, कोवेलेंट कैटालिटिकल मैकेनिज्म, कैटालिटिकल मैकेनिज्म। और आपको बात जानकर हैरानी होगी कि एस एन वन मतलब के आपको पता है कि जो आपके पास कोवेलेंट कैटालिसिस होती है इट इज ऑफ टू टाइप्स, एस एन वन एंड एस एन टू SN2। तो ये जो आपके पास लाइसोजाइम है ये इन दोनों मैकेनिज्म्स के जरिए से अपनी जो कैटालिसिस है इस बॉन्ड की वो परफॉर्म करता है। सो भाई ये बात करते हैं उसके मैकेनिज्म के ऊपर, जिसको भी हम लोग सिंपल करके और हम लोग पिक्चर की मदद से समझेंगे। आई होप सो कि आपको पिक्चर से समझ आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा सो लेट मी नो ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि उसके ऊपर एक दूसरी रेलिवेंट वीडियो लाइक ऑन बोर्ड हम लोग बना सकें। बट आई होप सो कि आपको पिक्चर्स के ऊपर समझ आ रखा। सो लेट्स टॉक अबाउट देयर मैकेनिज्म्स, मतलब कि इस तरह से जो आपको लाइसोजाइम है दे आर एक्चुअली एक्टिंग ऑन दिस पेप्टाइडोग्लाइकन एंड जस्ट क्लीव दिस बैक्टीरिया आउट। आई डिस्कस कर द मैकेनिज्म। सो एज यू कैन सी द पिक्चर, एज आई हैव टोल्ड दैट कि जो आपके पास ये लाइसोजाइम है इट कैटालाइजेस बाय टू डिफरेंट मैकेनिज्म, वन इज SN1 टाइप मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन एंड बायोमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब कि ऑन वन साइड यू हैव यूनिमोलिकुलर एंड ऑन द अदर साइड यू हैव बायोमोलिकुलर रिएक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए डिस्कस करते हैं SN1 रिएक्शन को। अच्छा SN1 टाइप मैकेनिज्म, असल में इसमें होता यह है कि जो आपके पास नेग है मतलब कि एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, वो इनिशियली डिसोसिएट कर जाता है इन द स्टेप वन। जो आपके पास कार्बोकेटाइन है उसको वो लीव कर देता है एज अ इंटरमीडिएट, और उस इंटरमीडिएट को एज यू कैन सी इन द सेकंड स्टेप यू कॉल दैट ग्लाइकोसाइल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। असल में इस मैकेनिज्म में ऐसा होता है कि द डिपार्टिंग नेग इज एक्चुअली प्रोटोनेट, मतलब कि फर्स्ट पिक्चर में एज यू कैन सी कि जो आपके पास ग्लूटामेट 35 है वो अपना प्रोटोन इस डिपार्टिंग नेग को डोनेट करता है, और जब वो डोनेट करता है तो वो जो जो आपके पास ऑक्सीजन है विच इज अटैच विद दिस नेग ऑन वन साइड, वो उस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपके पास नेम है इट रिमेन्स एज इट, मतलब कि उसका केट आयन बन जाता है। और जो आपके पास कार्बोकेटाइन है इट इज स्टेबलाइज बाय द एडजेसेंट रेजोनेटिंग रेजोनेंस इन्वॉल्विंग the adjacent oxygen as well as by the electrostatic interaction with the negative charges nearby on the aspartate 52, मतलब के जो आपके पास जो वो कार्बन मतलब के एनोमेरिक कार्बन कार्बन नंबर वन ऑफ म्यूरामिक एसिड जो कि एक्चुअल में आपके पास नेक के साथ अटैच था, जब वो नेक से रिमूव हो जाता है तो उसके ऊपर एक कार्बोकेटाइन आता है, तो एज वी नो के उसी के ऊपर आपके पास एक ऑक्सीजन है मतलब के द ऑक्सीजन विच इज ईथर ऑक्सीजन ठीक है, वो आपके पास जो है वो इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करती है, और स्टेबलाइज इस वजह से करती है बिकॉज उसके ऊपर एक लॉन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, वो उसको रेजोनेंस में लेके आती है, उसे होता यह है कि इसका जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबलाइज हो जाता है। इसके अलावा जो आपके पास कार्बोकेटाइन है इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन विद द एस्पार्टेट
52। उसके बाद सेकेंड स्टेप में होता यह है कि जब वाटर आता है सो वाटर एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड इट अटैक्स द कार्बन नंबर वन ऑफ नैम, बिकॉज कार्बन नंबर वन ऑफ नैम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसका जो वाटर का ऑक्सीजन है इट इज नेगेटिवली चार्ज, मतलब कि वो आपस एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। और एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि जब आपके पास वाटर अटैक करता है आपके कार्बन नंबर वन ऑफ नैम को, तो उस पॉइंट के ऊपर द कार्बन नंबर वन ऑफ नैम इज नॉट अटैच विद एनी अदर ग्रुप ऑन दिस पर्टिकुलर एंजाइम, मतलब कि वो फ्री है। सो इस किस्म के मैकेनिज्म को जब आपके पास जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है जब वो अटैक करता है उस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है इट इज नॉट अटैच विद एनी अदर काइंड ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल, तो इस किस्म के मैकेनिज्म को आप लोग SN1 मैकेनिज्म कहते हैं। और इसके अंदर आप लोग जब प्रोटॉन की डोनेशन हो रही होती है, एक्सेप्शन हो रही होती है, तो आप लोग जनरल एसिड बेस कैटालिसिस भी देखते हैं, खासतौर के ऊपर जो आपके पास ग्लूटामेट 35 है वो फर्स्ट एंड सेकेंड फेज के अंदर आपके पास एज अ जनरल एसिड बिहेव करता है। सो इफ यू टॉक अबाउट SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म में होता यह है कि जो आपके पास एस्पिरेटेड 52 है वो आपके पास कार्बन नंबर 1 ऑफ नैम के ऊपर अटैक करता है, और जब अटैक करता है तो एज यू कैन सी कि ये जो आपके पास एस्पिरेटेड है व्हेन इट फॉर्म्स द बॉन्ड विद द कार्बन नंबर 1 तो उससे जो आपके पास नेग है वो डिस्प्लेस हो जाता है। देन उसके बाद होता यह है कि जो आपके पास ग्लूटामेट 35 है इट एक्ट्स एज अ जनरल एसिड और वो प्रोटोनेट करता है डिपार्टिंग नेग को जिस तरह से उसने पहले स्टेप में किया था। सेकेंड स्टेप में होता यह कि जो आपके पास वाटर है इट अटैक्स, मतलब कि वो आता है एंड एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल एट कार्बन नंबर 1 ऑफ नेम और डिस्प्लेस करता है एस्पराजिनिन 52 को एज अ जनरल प्रोडक्ट। लेकिन इस फेज में मतलब कि थर्ड फेज के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि व्हेन वाटर व्हिच इज अ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल व्हेन इट इज गोइंग टू अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल व्हिच इज द दैट कार्बन नंबर 1 ऑफ नेम, उस पॉइंट के ऊपर जब अटैक हो रहा होता है तो आपके पास जो एस्पिरेटेड 52 है इट इज स्टिल अटैच विद द कार्बन, तो मतलब कि दिस मैकेनिज्म इज एक्चुअली SN2। असल में SN1 मैकेनिज्म में जो आपके पास ओवरऑल रेट का मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकैन, लेकिन जो आपके पास SN2 मैकेनिज्म है उसके अंदर जो आपके पास वाटर है उसका भी रेट में मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन में अच्छा खासा रोल है, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। लेकिन रिसर्च ये कहती हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके पास रिएक्शन होता है वो आपके पास SN2 मैकेनिज्म से होता है, मतलब कि SN2 मैकेनिज्म इज समवॉट मोर स्टेबल बिकॉज आपके पास एज वी नो के जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर लिटिल बिट स्टीरियो स्पेसिफिक, मतलब उनके अंदर कैरियर कार्बन होते हैं और कैरियर कार्बन जो होते हैं उनको स्टीरियो स्पेसिफिसिटी पसंद है, और जो आपके पास SN2 मैकेनिज्म है एज वी नो के उसके अंदर जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसको मेंटेन किया जाता है, सो दैट्स व्हाई आपके पास मोस्टली जो आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन के हाइड्रोलिसिस है वाया दिस लाइसोजाइम इट इज मोस्टली कैरिड आउट बाय SN2 मैकेनिज्म बिकॉज ऑफ द स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। सो दैट इज इट विद द वीडियो, आई होप सो कि आपको ये पूरी सीरीज समझ आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एक नई सीरीज के साथ मिलते हैं। आई थिंक इसके बाद हमारे पास लिपिड आए हैं उसको भी हम लोग जल्दी से गो थ्रू करके फिर हम लोग जंप करेंगे टुवर्ड्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सेल्फ।